क्या पैसा पैसा करती है, क्या पैसे पे तू मरती है, क्या बोलते क्या चीज है पैसा, क्या बोलते क्या चीज है। सो कैसा सारे स्वागत आपका मन श्री आर के में, नमस्ते सभी को। सो मैं देखता हूँ लोगों को कि अभी पिछले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है शेयर मार्केट की, तो मैं समझूंगा एक लहर सी आ गई है। मतलब हर एक बंदा सोच रहा है कि यार आएंगे शेयर मार्केट में मजा आएगा, पैसा बढ़ेगा एकदम। जब कुछ नहीं दिख रहा है वहां शेयर मार्केट में, ऐसे पैसा से डबल ट्रिपल हो रहा है, मतलब सुकून। एक एक साल में, 2 साल में लोगों के पैसे डबल हो रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि यही तो होता है मार्केट में। और जब मार्केट अब गिरने लग रही है, अरे ये क्या हो रहा है। अब आज के टाइम पे ना यार गड़बड़े भी बहुत चल रही हैं, बहुत गड़बड़े चल रही हैं। कुछ ऐसे शेयर दिखेंगे जो आपको ऐसे 10-10 गुना रिटर्न दिखा रहे हैं, लगेगा भाई यही शेयर में तो डालना है पैसा मुझे, इसमें अभी डालता हूँ, मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा कुछ महीनों में, और मैं रिलैक्स करूंगा। और यही 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 सबसे बड़ी गलती कर जाओगे। मेरी जो भी न्यू बिगिनर्स हैं या नूब्स कह लो या कुछ भी हैं, जो मार्केट में भी नए लोग आए हैं, प्लीज पेनी स्टॉक्स या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कुछ कुछ 15 दिनों में डबल करके दे रहे हैं पैसा, दूर रहो इनसे। मेरे दोस्त भी जब नया नया आया था मार्केट में, भाई कोई ऐसा शेयर बता 15 दिन में डबल होता हो, लोग आए क्यों थे शेयर मार्केट में पहली बार में, ये नहीं सोचा किसी ने। वो आए थे पहली बार कि किसने कहा था वो उनको कि बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है, पर एक्चुअल में जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए वो 15% के आसपास होना चाहिए, 15 से 20% अच्छा रिटर्न माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। FD में 6% मिल रहा है आजकल, तो समझो समझो ठीक है। ये नहीं कि नहीं यार शेयर मार्केट में आए हैं डबल करके जाएंगे, यहीं फंस जाओगे। क्योंकि हमें हमें अपना पैसा हिसाब से ठीक बढ़ाना है, ठीक है ना। जब जब अचानक कोई चीज़ बढ़ती है ना, तो उसके अचानक गिरने के भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि बड़े जो छोटे शेयर्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोग अपने हाथ में कंट्रोल में रख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है। अब अपर सर्किट क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बायर्स हो, बायर क्वांटिटी बहुत हाई हो एंड सेलर्स ना के बराबर हो, तो उसे कहते हैं अपर सर्किट। जब सेलर्स की क्वांटिटी बहुत हाई हो और बायर्स ना बराबर हो, तो उसे कहते हैं लोअर सर्किट। अब मान लो कि मैं एक बड़ा ऑपरेटर हूँ, मैं ऐसे गेम खेलना चाहता हूँ। कैसे? मान लो कि ये कोई एक शेयर है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए है, और मैं एक अमीर बंदा हूँ, मुझे दिख रहा है कि इसकी मार्केट में जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो कुछ 20-25 करोड़ के कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा गेम समझो, कोई 1 रुपये का शेयर पकड़ूंगा ठीक है, और अपना 10 करोड़ या 15 करोड़ उसमें डाल दूंगा और एडवर्टाइजमेंट चला दूंगा यूट्यूब के, यही है बेस्ट शेयर मार्केट में, ये कर देगा आपका पैसा 15 दिन में डबल, 30 दिन में 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना ठीक है, और मैं चला दूंगा। अब जो नए नए लोग होंगे, हाँ यार ये तो बढ़ भी रहा है, क्योंकि मैं साथ साथ अपना पैसा पंप करता जा रहा हूँ शेयर में, और उसका क्या लग रहा है, अपर सर्किट अपर सर्किट। क्योंकि लिमिट होती है स्टॉक मार्केट में, लिमिट आ जाती है, एक टाइम से ज़्यादा पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन अपर सर्किट मैं पंप करूंगा। आप भी सोचोगे कि डाल दूँ, एज ए रिटेलर डाल दूँ, मैं भी पैसा अपना डाल दूँ। जब आप पैसा डालना शुरू कर दोगे, आपके जैसे 1000 लाख बंदे कि एडवर्टाइजमेंट, वो मिलियन बहुत उस पर बहुत पैसा खर्चते हैं। मैंने कहा 10 करोड़ के शेयर खरीदे, मैं 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में लगा दूंगा, ताकि वो मैं अपने 10 करोड़ का अपना मैं 20-30-40 करोड़ कर दूँ एक्चुअल में, मैं कर दूँ और मैं वो लोगों को फंसा दूँ। और जब अच्छा वो सच में वो 1 रुपये का शेयर वो 10 रुपये का शेयर तक बन जाएगा, मैं बेच दूँगा सारा शेयर। अब सेलर मेरी बस हाई क्वांटिटी है, मैंने बेच दिया सारा शेयर। अब वो जो ऐसे टक टक पौड़ी ऊपर की बन रही थी, अब वो पौड़ी नीचे की अपने लग जाएगी लोअर सर्किट की, और कौन फंस जाएगा, आप सारे रिटेलर्स फंस जाओगे ठीक है। मैंने भी लॉस खाया और सीखा है कि इन चीज़ों में नहीं फंसना है, इसलिए मेरी वन एंड ओनली एडवाइस है कि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट 15 दिन में पैसा डबल ऐसे शेयरों में मत फंसना ठीक है। मैंने गवाया है तो मैं सीख पाया उस चीज़ से और समझा पा रहा हूँ इस बात को ठीक है। एंड मेरी एडवाइस समझ लोगे तो बात समझ जाओगे, नहीं तो आपकी मर्जी है। पेनी स्टॉक्स अपर सर्किट लोअर सर्किट से बच के रहना ठीक है जी। एंड आई होप आपको ये बात समझ आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।